हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर हमने जो लॉन्च किया है PDGD कोर्स, उसके अंदर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस लेने वाला हूँ। तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर्म किया है कि मैं किस तरीके से स्ट्रक्चर एनालिसिस डील करने वाला हूँ, कौन कौन से चैप्टर्स डिस्कस करने वाला हूँ, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, उस सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है PDGD कोर्स, या जिसको मैं कह सकता हूँ पेनड्राइव GDI कोर्स। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वीडियो फॉर्म हुआ है स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट की मैं डील करने वाला हूँ। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं डील करूँगा जियोटेक, मैं डील करूँगा RCC विथ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पर हम डील करने वाले हैं इस चीज़ के साथ में स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो यहाँ पर जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, पढ़ाना जब भी स्टार्ट करूँगा इस कोर्स के अंदर, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यदि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पढ़ें तो क्या लॉस होता है सिविल इंजीनियरिंग में, नहीं पढ़ें तो क्या लॉस होता है गेट एग्जाम में, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का गेट एग्जाम के अंदर, उसके बारे में हम पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे। एक बात, दूसरी बात, जैसे इसका इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। आप किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करिए, आप कुछ भी करिए, हर जगह हर एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस पहले करना जरूरी है बिफोर द डिज़ाइन। आप पहले स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तभी उसकी डिज़ाइन पॉसिबल है। क्लियर, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। अच्छा, यदि आप सॉफ्टवेयर्स में इंटरेस्टेड है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में एमटेक करना चाहते हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो हालांकि उसके लिए हम एमटेक इन स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम ले सकता हूँ, यहाँ पर स्टैड प्रो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ईटैप्स, आपको पता होना चाहिए सैप 2000, माइडास नाम के भी एक सॉफ्टवेयर होता है ब्रिज डिज़ाइन करने के लिए, है ना। तो देर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच यू शुड नो। अब ये सॉफ्टवेयर्स किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कैसे बनाए गए हैं, तो वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर भी जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ के एनालिसिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। हालांकि वो बेस्ड होते हैं एडवांस एनालिसिस पर, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस पर, लेकिन उनकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिक एनालिसिस जो आपको यहीं से स्टार्ट करना होता है यदि आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है तो, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट दे रहा है उसमें मैं ब्लाइंडली बिलीव तो नहीं कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सॉफ्टवेयर से सपोज मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है, G+10 स्ट्रक्चर बनाना है 10 फ्लोर का, तो मैंने क्या किया, पूरा उसका मॉडल बनाया, स्टैट प्रो में रखा, उसको लोड्स लगाए, एनालिसिस कर दिया, इतना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, इतना शेयर फोर्स आ रहा है, इतनी रिएक्शन आ रहा है, उसके हिसाब से मैंने मेंबर्स को डिजाइन कर दिया। क्या जो स्टेट प्रो ने मुझे रिजल्ट्स दे रखे हैं उस पर मैं ब्लाइंडली बिलीव कर लूंगा? नेवर। हमें कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के रिजल्ट्स पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। वी पीपल शुड नो हाउ टू कैलकुलेट मैनुअली। तो मैनुअली में मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ इस कंपेयर टू सॉफ्टवेयर में, बट सॉफ्टवेयर भी बहुत ज़रूरी है टाइम को सेव करने के लिए। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करिए, लेकिन उस पर ब्लाइंडली बिलीव मत करिए, एक बार रफ कैलकुलेशन करके जरूर चेक कर लीजिए। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए पहले मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते आना चाहिए, तभी मैं उसकी डिज़ाइन की तरफ आगे मूव कर पाऊंगा। दैट मीन्स फर्स्ट वी शुड लर्न स्ट्रक्चरल एनालिसिस, देन वी शुड लर्न रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन, है ना। तो चूंकि यदि आप लोग थर्ड ईयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, या फाइनल ईयर में जो होंगे स्टूडेंट्स जो भी परचेस करते हैं PDGD कोर्स, तो उनके लिए ऐसा कंपल्शन नहीं रहेगा कि वो पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस ही पढ़े उसके बाद ही RCC पढ़े। यदि आप लोगों ने अपने कॉलेजेस में स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ रखा होगा तो PDGD कोर्स के अंदर आप सीधे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जहां पे भी स्ट्रक्चर एनालिसिस का थोड़ा सा भी कंसेप्ट आता है तो वो मैं डिस्कस कर देता हूं, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद RCC पढ़ सकते हैं, या पहले RCC पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता क्या है, पहले आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस करना होता है स्ट्रक्चर में, उसके बाद एनालिसिस करने के बाद उसकी डिज़ाइन करना होती है। एक बात, आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स की। तो यहाँ पर जो मैंने चैप्टर नंबर 1 रखा है, ऐसे नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने रखे हुए हैं, टोटल 6 चैप्टर्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ सिक्स चैप्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। और इस 6 चैप्टर्स के अंदर आप लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास मैंने फर्स्ट चैप्टर जो रखा है वो रखा है स्टैटिक एंड किनामेटिक इनडिटर्मिनेसी का चैप्टर, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक एंड किनामेटिक इनडिटर्मिनेसी है, इसके अंदर आप लोग क्या देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेसी की, कि स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो सकते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट हो सकते हैं, किनेमेटिकली डिटर्मिनेट हो सकते हैं, किनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट हो सकते हैं। तो किस तरीके से इन स्ट्रक्चर की एनालिसिस की जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके पहले मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करूँगा, कितने टाइप की बीम्स हो सकती है, कितने टाइप के सपोर्ट्स हो सकते हैं, कौन से सपोर्ट्स पर कितने नंबर ऑफ रिएक्शन आते हैं, किस तरीके से ये रिएक्शन कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से ये रिएक्शन लगती है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस, यदि कोई मेंबर है, यदि कोई सपोर्ट है, उसमें कितने नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शंस लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर होते हैं हमारे पास रिलीज्ड रिएक्शंस, किस तरीके से हम मेंबर्स के अंदर रिएक्शंस को रिलीज कर सकते हैं, कभी मैं इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर सकता हूं, मतलब वहां पे मैं बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर सकता हूं, कभी मैं शियर फोर्स रिलीज कर सकता हूं, कभी मैं एक्सियल फोर्स रिलीज कर सकता हूं, कभी मैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर सकता हूं, कभी मैं एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट रिलीज कर सकता हूं, कभी मैं एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स रिलीज कर सकता हूं। तो ऐसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन में आप फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं किसी मेंबर के अंदर। तो देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ सिस्टम टू रिलीज द फोर्सेस, है ना, रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट्स। तो उसकी सभी की हम यहां पे बात करेंगे, और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा आपका स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को कैलकुलेट करना, कि स्ट्रक्चर जो आपको दिया है वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, तो यहां पर हम उसके बारे में बात करने वाले रहेंगे, हम कौन कौन से टाइप के मेंबर्स के अंदर स्टैटिकली डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर बीम्स में, काफ़ी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रसेस में, ट्रसेस आपकी प्लेन ट्रसेस हो सकती है, स्पेस ट्रसेस हो सकते हैं। प्लेन ट्रसेस या स्पेस ट्रसेस से मेरा मतलब रहेगा 2D के अंदर एनालिसिस कर सकता हूँ, 3D के अंदर एनालिसिस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ फ्रेम्स में, फ्रेम्स भी प्लेन फ्रेम्स हो सकती है, स्पेस फ्रेम हो सकती है, मतलब 2D फ्रेम्स हो सकती है, 3D फ्रेम्स हो सकती है। उसमें कैसे हम स्टैटिक डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी निकाले उसके बारे में हम बात करेंगे। इन द सेम वे अब मैं किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी लूँगा, वो भी मैं बीम्स में, ट्रसेस में, फ्रेम्स में निकालूंगा, 2D सिस्टम में निकालूंगा, 3D सिस्टम में निकालूंगा, मतलब प्लेन ट्रसेस या फ्रेम्स में निकालूंगा, या मैं स्पेस ट्रसेस या फ्रेम्स में हम कैलकुलेट करेंगे आपके किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। अब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी होती क्या है, उसको डिटेल में प्रैक्टिकली हम डिस्कस करने वाले रहेंगे। यहाँ पर क्यों एस्टिमेट करना जरूरी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और बेस्ड ऑन दिस स्टैटिक एंड किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी वी कैन डिस्कस द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, कि कोई भी एक स्ट्रक्चर दिया या स्ट्रक्चरल मेंबर दिया या पोर्टल फ्रेम दिया या ट्रस दिया है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो उसमें भी इंटरनल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहां पर चैप्टर नंबर 1 में बात करने वाले रहेंगे। तो हर साल या मैं कहूं कि अल्टरनेट ईयर्स में एक ना एक क्वेश्चन यहां पर स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से पूछ लिया जाता है ना। तो हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पर डिस्कस करते रहेंगे, हर एक प्रॉब्लम को डिटेल में आराम से धीरे धीरे समझेंगे, किस तरीके से मैं इसमें रिएक्शन निकालता हूं, किस तरीके से मैं उसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिएक्शन निकालता हूं, किस तरीके से मैं रिलीज्ड रिएक्शंस कैलकुलेट करता हूं, किस तरीके से मैं किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करता हूं, किस तरीके से नंबर ऑफ फोर्सेस कैलकुलेट करता हूं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहां पर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए चैप्टर को खत्म करेंगे। देन वी विल मूव टू द चैप्टर नंबर 2। यहां पर चैप्टर नंबर 2 जब हम डिस्कस करेंगे तो मेरे पास यहां पर रहने वाला है मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, अच्छा कुछ बुक्स में या फिर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, पहला चैप्टर जैसे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी एंड डिटर्मिनेसी पढ़ाते हैं, देन दे मूव टू ट्रस एनालिसिस और दे मूव टू आरसीएस एंड समथिंग। बट यहाँ पर मैंने क्या करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 जो रखने वाला हूँ वो चैप्टर नंबर 1 स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के बाद डायरेक्टली मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पर मैं वो मेथड्स डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर मेथड्स डिस्कस करना है यदि हमको स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर, तो मेथड्स किसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर को एनालाइज करने से मेरा मतलब क्या रहेगा, मैं स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट पर, हर एक सेक्शन पर, हर एक मेंबर के अंदर क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता रहूंगा वहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू, रिएक्शंस की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू, मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम एक्सियल फोर्स की वैल्यू, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू, लोकेशन ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, लोकेशन ऑफ जीरो शेयर फोर्स, ये सब कुछ मैं निकालने में इंटरेस्टेड रहूंगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस मेथड्स के अंदर। अब इनको निकालने के लिए कितने टाइप की मेथड्स हो सकती है,
तो वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के टाइप पर। यदि मैं कहूँ कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है, तो ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास जो तीन बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है उससे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, है ना, तो हमारे एक्सियल फोर्सेस निकाल सकते हैं यदि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि मेरे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, सो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कैन बी सॉल्व यूजिंग थ्री इक्वेशंस, थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एम जेड इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन विल बी टेकन इक्वल टू जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे होंगे उसका समेशन लेके आप जीरो पुट कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस रिएक्शंस लग रही होगी उसको सम करके इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं, और बेंडिंग मोमेंट अबाउट जो जेड डायरेक्शन लग रहा होगा उसको सम करके इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं, और बेंडिंग मोमेंट अबाउट एनी सेक्शन आप लेके जीरो पुट कर सकते हैं। तो ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केसेस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास सर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, देन वॉट शुड डू। तो यदि इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है तो इसका मतलब ये हो चुका है, मैं अभी चूंकि चैप्टर नंबर वन में आप लोगों के साथ डिटर्मिनेट से डिस्कस करने वाला रहूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रक्चर में कह रहा हूं यदि इंडिटर्मिनेट है तो इसका मतलब क्या हो चुका है। अब स्ट्रक्चर को मैं एनालाइज कैसे करने वाला हूं इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को, तो आप लोगों को वहां से आइडिया हो जाएगा कि जो इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है उन स्ट्रक्चर्स को ये तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अदर देन दिस थ्री इक्विलिब्रियम इक्वेशन सम मोर इक्वेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दी और टू एनालाइज दी इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो फिर मैं वो एडिशनल इक्वेशन कहां से लाऊं, मैं कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस लगा सकता हूं और वहां से मैं वो एडिशनल इक्वेशंस फॉर्म कर सकता हूं। तो यहां पर इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स रहेगी, या तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को, ऐसे टाइप के फ्रेम्स को या बिल्डिंग्स को किस तरीके से डिजाइन करूं, अप्रॉक्सीमेटली डिजाइन करूं या एनालाइज करूं, या फिर मैं एग्जैक्ट मेथड को फॉलो करूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दो मेथड्स लिख रखी है, एक तो रहेगी मेरे पास एनालाइज करने के लिए एग्जैक्ट मेथड जिसके अंदर आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ दी सेक्शन पता होना चाहिए। मतलब यदि आपको एग्जैक्ट मेथड यूज करना है तो आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल एंड बहुत सारी चीज़ें, मैंने सिर्फ मॉडुलस ऑफ यहाँ पे वो लिख रखा है, यंग मॉडुलस लिख रखा है, आपको पॉइजन रेशियो भी पता होना चाहिए और भी दूसरी टाइप के मटेरियल्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो सभी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर स्पेशली आपको क्या पता होना चाहिए, आई का वैल्यू, मतलब सेक्शन जो है हमारे पास वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, मतलब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ योर सेक्शन आपको पता होना चाहिए, चाहे फिर वो बीम हो या कॉलम हो। चलिए इतना मुझे यहाँ तक पता लग चुका है। तो एग्जैक्ट मेथड के अंदर हमारे पास रहेंगे दो टाइप के मेथड्स, एक रहेगा फोर्स मेथड, एक रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड, है ना, इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में, और हर एक मेथड को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर। देन हमारे पास हो सकती है अप्रॉक्सीमेट मेथड, है ना। अब जब आप अप्रॉक्सीमेट मेथड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड सेक्शन मॉडुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली उसको एनालाइज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो चूंकि अप्रॉक्सीमेट मेथड्स होती है। यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं यदि वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं आपकी फ्रेम्स के ऊपर तो उसके लिए कैसे अप्रॉक्सीमेट मेथड दी जाए उसके बारे में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रहे हैं तो फ्रेम्स के ऊपर एनालिसिस करने के लिए ड्यू टू दी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हमारे पास दो टाइप की मेथड्स रहेगी, एक का नाम रहेगा कैंटिलीवर मेथड, दूसरे का नाम रहेगा पोर्टल फ्रेम मेथड। दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों के अंदर कुछ अजम्पशंस है, उस अजम्पशंस को आपको फॉलो करना होते हैं, हम कहाँ पर जीरो बेंडिंग मोमेंट लें, कहाँ पर शेयर फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो सब कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करें सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेट मेथड के अंदर, और यहाँ पर एग्जैक्ट मेथड के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्स मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड। हम जो ज़्यादा मेनली फोर्स फोकस करने वाले हैं वो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड पर करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो इन मेथड्स पर बेस्ड बनते हैं, और इन मेथड्स में भी स्पेशली डिस्प्लेसमेंट मेथड पर बेस्ड बनते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की बात करने वाले हैं। यदि मैं बात करूँ आपके स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर की तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी एनालिसिस ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, है ना। बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि यदि मैं बात कर रहा हूँ फोर्स मेथड की तो इसके अंदर नंबर ऑफ मेथड्स हो सकती है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए, और मैं बात करूं यदि डिस्प्लेसमेंट मेथड की तो यहां पर भी नंबर ऑफ मेथड्स हो सकती है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। तो आपका जो स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड पर क्या होता है बेस्ड होता है, जिसके अंदर वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगाते चला जाता है और अपनी वैल्यूज शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सियल फोर्सेस की आपको देता चला जाएगा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहां पर हम फोर्स मेथड के अंदर मैं जो बात करने वाला रहूंगा कास्टिग्लियानो मेथड्स की बात करेंगे,
यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड की बात करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मेथड की बात करेंगे, वर्चुअल वर्क या यूनिट लोड मेथड की बात करेंगे, थ्री मोमेंट थ्योरम इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे, कॉलम एनालॉजी के बारे में बात करेंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी मेथड की भी बात करेंगे, जहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स बनाने की भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या रहने वाला है, यहाँ पर हम क्या होते हैं, डिफॉर्मेशन ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पर हम क्या होते हैं, फोर्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, जब भी मैं इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में, इसको समझाऊंगा और एकदम प्रैक्टिकली हम इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करना है इसके बारे में, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्या चल रहा है। बात करेंगे मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, जिसको हार्डी क्रॉस मेथड के नाम से भी जानते हैं या फिर मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशंस के नाम से भी इस मेथड को जाना जाता है। नंबर ऑफ इटरेशंस करते हुए आप क्या करते हैं, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एस्टिमेट करते हैं अपने गिवन मेंबर्स के अंदर, गिवन फ्रेम्स के अंदर। बेंडिंग मोमेंट एस्टिमेट करने के बाद आप शियर फोर्स, रिएक्शन, सब कुछ एस्टिमेट कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। जब मैं बेंडिंग मोमेंट पढ़ाऊंगा तो बेंडिंग मोमेंट के अंदर भी हम स्वे एनालिसिस देखेंगे, नॉन स्वे एनालिसिस देखेंगे, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेप पर हम डिटेल डिस्कशन देखने वाले रहेंगे। हम लोग देखेंगे कि क्यों कैरी ओवर मोमेंट लगता है, क्यों फिक्स्ड एंड मोमेंट लगता है, क्यों आपको कैरी ओवर फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी है, क्यों आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना जरूरी है, क्यों आपको रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करना जरूरी है, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ उसका क्या यूज़ है, सब कुछ, किस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकायदा हर एक सिस्टम में हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लेकर सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। देन वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, देन कानीस मेथड, जो कि आपकी स्वे एनालिसिस को शो करेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के अंदर। देन लास्ट वी कैन सी द स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हर साल क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में पूछ लिया जाता है ना। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आता है यदि एग्जाम में, तो इतने नंबर ऑफ मेथड्स है, कौन सी मेथड में लगाऊँ, किससे में मुझे जल्दी आंसर मिलेगा, उस बारे में भी बात करेंगे। यदि मैं आपको कोई एक बीम दे रहा हूँ, उसको एनालाइज करने को बोल रहा हूँ, या कुछ पर्टिकुलर चीज़ या कोई क्वांटिटी निकालने को कह रहा हूँ, तो इन सब में से कौन सी मेथड लगाकर जल्दी आंसर आ जाएगा, वो आपको सीखना होगा इस कोर्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, जब भी हम इसके बारे में बात करने वाले रहेंगे। तो ये था आपका फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, मतलब ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 2 मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जो कि जिसको मैंने चैप्टर नंबर 2 में रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की एनालिसिस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले रहेंगे। तो ये मैंने आपको हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिया। तो चैप्टर नंबर 1 आपका क्या हो चुका था, स्टैटिक एंड किनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालना अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में, चाहे वो फिर 2D हो या फिर 3D में हो। उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 देख चुके हैं, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नंबर ऑफ मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल फोर्स, रिएक्शन, सब कुछ निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मेथड्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस, है ना। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन क्या है, मतलब पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन देंगे कि ये बीम में कैसे ऑकर होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। हालांकि ये जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर इसका क्या प्रिंसिपल रहने वाला है, किस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एडवांस लेवल पर थोड़ा सा, तो नंबर ऑफ मेथड्स मैंने लिख रखी है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए बीम्स के अंदर या फ्रेम्स के अंदर। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर देखूंगा आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकॉलिस मेथड, मोमेंट ऑफ एरिया मेथड या मोमेंट एरिया मेथड भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेट बीम मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, यूनिट लोड मेथड, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, देन मैक्सवेल रेसिप्रोकल मेथड, बैटिस मेथड एंड डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब जब भी टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, चूंकि आपका जो स्टील मटेरियल है, यदि ट्रसेस की बात करूँ, तो वहाँ पर किस तरीके से डिफ्लेक्शन आ सकते हैं मेंबर के अंदर, क्या शिफ्टिंग हो सकती है मटेरियल्स की, मेंबर्स की, जिसके कारण क्या एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं मेंबर के अंदर, उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। इन सभी मेथड्स के अंदर, हर एक के अंदर मेरा टारगेट क्या रहेगा, आपका मेंबर जो है उसके अंदर अप्लाइड लोड्स के कारण कितना स्लोप आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो कैलकुलेट करना। तो कोई एक मेंबर है, कोई एक बीम है, क्या उस बीम को मैं किसी भी मेथड से एनालाइज कर सकता हूं क्या, मेरा आंसर रहेगा नहीं।
यदि हर एक मेथड का अपना एक सिग्निफिकेंस है, हर एक का एक लिमिटेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन का अपना एक लिमिटेशन रहेगा, मैकॉलिस का और अपना एक लिमिटेशन रहेगा, मोमेंट एरिया का अपना, कॉन्जुगेट का, तो सब का अपना अपना एक लिमिटेशन है ना। तो कहीं पर आपको वेरिंग सेक्शन, वेरिंग डेप्थ के सेक्शन देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर आपको कंपोजिट टाइप के सेक्शन देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर आपको नंबर ऑफ सीरीज ऑफ लोड्स देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर UDL लोड्स मिल सकते हैं, है ना। तो जब भी सेक्शंस आपके अलग अलग शेप्स के रहते हैं या अलग अलग तरीके के रहते हैं, तो वहां पर आपको अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा। तो कौन से टाइम पर कौन से मेथड यूज करना है और जल्दी आंसर निकालना है, फास्ट आंसर निकालना है, उसके बारे में हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले रहेंगे। हालांकि इसमें से मेजर पोर्शन आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ चुके होंगे, है ना, हमारे PDGD कोर्स के अंदर, जो कि हमारे यहाँ के एक्सपर्ट फैकल्टीज को डिस्कस करेंगे। आई विल ऑल्सो डिस्कस द सेम थिंग्स हियर। चलिए, हाँ, बाकी वही है कि उनके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जब वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कराएंगे कुछ और टाइप करेंगे, मेरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पर कुछ और टाइप्स के रहने वाले होंगे, ठीक है। अब फिर उसको हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर रखा है, वो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास ILD, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। ये जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स है एंड रोलिंग लोड्स है, इसको हम कैसे एनालाइज करने वाले हैं। सपोज मैंने एक ब्रिज बनाया, उस पर नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, तो मूविंग लोड्स के कारण क्या इसके अंदर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट्स में या रिएक्शंस में वेरिएशन आने वाला है, उसको हम एस्टिमेट करके देखेंगे। कोई ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन में तो नंबर ऑफ व्हीकल्स होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रही है किसी गर्डर के ऊपर, तब मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ होकर होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होकर होगा, मैक्सिमम रिएक्शन कैसे होकर होगी, कितनी होकर होगी, वो सब कुछ हम यहाँ पर निकालने वाले रहेंगे। तो मैं यहाँ पर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की भी बात करूँगा, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की भी बात करूँगा, दोनों के लिए हम ILD ड्रॉ करना सीखेंगे। प्रॉप्ड कैंटिलीवर हो सकता है हमारा, कैंटिलीवर हो सकता है, कंटिन्यूस बीम हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं जब आप लोगों के साथ सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंग बीम की बात करूंगा, तब इसके अंदर मैं देखूंगा, चूंकि ये तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स रहेंगे, वहां पर मैं देखूंगा कि ILD मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए कैसे ड्रॉ की जा सकती है, शेयर फोर्स के लिए कैसे ड्रॉ की जा सकती है, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैसे ड्रॉ किया जा सकता है ILD, किस तरीके से आपको लोड प्लेस करना है, किस लोड को कहां पर प्लेस करूं ILD के अंदर कि मुझे मैक्सिमम शेयर फोर्स मिले, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, मैक्सिमम रिएक्शंस मिले, वो सब कुछ हम यहां पर बात करने वाले रहेंगे। अच्छा, ये तो मैंने एक ही टाइप के लोड्स के कारण बताया, या तो पूरे सिस्टम पर UDL लग रहा होगा, या फिर पार्ट ऑफ UDL लग रहा होगा, या फिर दो ही वैल्यू ऑफ लोड्स लग रहे होंगे, मतलब दो व्हील्स लग रहे होंगे लोड्स पे। लेकिन यदि मैं कहूं कि मेरे पास सीरीज ऑफ लोड्स है, नंबर ऑफ लोड्स है, मल्टीपल लोड्स है, तो ऐसी कंडीशन में कौन से लोड को कहां प्लेस करके कहां मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालू, कहां मैक्सिमम रिएक्शन निकालू, कहां मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालू, उस पर्टिकुलर सेक्शन को डिटरमाइन करना, वो फिर अभी हम यहां पर अलग से सीखने वाले रहेंगे। तो मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू मल्टीपल रोलिंग लोड्स और सीरीज ऑफ लोड्स के कारण, या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण भी हम निकालना यहां पर सीखेंगे। एंड देन एट द लास्ट फिर हम ये सब भी देखने वाले रहेंगे मोलर-ब्रूसेल प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, किस तरीके से हम जो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लिए ILD कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम शो करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक्चुअली ये जो ILD है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, एक ग्राफिकल अप्रोच है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड को एस्टिमेट करने के लिए ड्यू टू द रोलिंग लोड्स, है ना। जब भी लोड्स आपके मूव कर रहे हैं स्टैटिक कंडीशन में नहीं या डायनेमिक कंडीशन में, तब उस कंडीशन में कैसे निकाला जाए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, उसको ये शो करता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। अच्छा, यहां पर फिर हम ट्रसेस के लिए भी क्या देखेंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना देखेंगे, किस तरीके से ट्रस में आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। एंड देन ऑल्सो आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, कि किस तरीके से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर होता है, है ना। यदि मैं बात करूं एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, तो यहां पर आपको सेक्शन पता नहीं होगा तो अच्छा, दूसरे जो केसेस रहेंगे यहाँ पर मैं आपको कह दूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पर बताओ कि आपको कौन सा लोड प्लेस करके कितनी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है मैक्सिमम शेयर फोर्स या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, चाहे फिर वो नंबर ऑफ लोड्स दिए गए हो या फिर आपको UDL लोड्स दे रखे हो, है ना, पॉइंट लोड्स दे रखे हो सीरीज में, या फिर मैं कहूँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखे हो, वो आपको एक नंबर ऑफ एक बड़ी सी गर्डर के अंदर कहीं पर ऐसा प्लेस्ड करना होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। तो आपको वो सेक्शन भी डिटरमाइन करना है और कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ऑकर होगा वो भी डिटरमाइन करना पड़ेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अंदर। तो सब कुछ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर आप लोगों को बना के छोड़ूंगा कि आप किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको एनालाइज कर पाएंगे। तो ये
था मेरा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 हम देख चुके हैं डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी देख चुके हैं, चाहे वो स्टैटिकली हो किनेमेटिकली हो। फिर हम क्या देख चुके हैं चैप्टर नंबर 2 मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, नंबर ऑफ मेथड्स हमने देख चुके हैं, कब कौन से मेथड यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे लगाई जाती है, कैसे अप्लाई की जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 में जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा लेक्चर्स, हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मैं बता चुका हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक अच्छा सा पुश मिलेगा यहां पर इसको स्टडी करने के लिए, यहां पर ही जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा आप लोगों का। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके रहेंगे, है ना। उसके बाद हालांकि ये जो कुछ कुछ चीज़ें जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शायद नहीं भी पढ़े होंगे, वो भी सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे डिफ्लेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, शायद आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शायद ये वाला पोर्शन नहीं होता होगा, या फिर ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम नहीं होती होगी, कॉन्जुगेट बीम मेथड वहाँ पर नहीं है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहेगी जो मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम जो चीज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं पढ़ चुके होंगे वो यहाँ पर पढ़ेंगे। देन हम चैप्टर नंबर 4 में ILD की बात करने वाले रहेंगे, डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, चाहे फिर वो बीम हो या फिर ट्रस हो, उसके बारे में हम ड्रॉ करके देखेंगे ILD एंड रोलिंग लोड के कारण क्या इफेक्ट आते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पर, वो हम एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक मैंने देखा है चैप्टर नंबर 4 तक। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो चैप्टर नंबर 5 है आफ्टर द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 मैंने रखा है यहाँ पर एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के ट्रसेस को एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसके अंदर यदि मुझे जीरो फोर्स वाला मेंबर डिटरमाइन करना हो तो उसको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में हम डिटरमाइन करना देखेंगे, और फिर हम ट्रसेस की एनालिसिस देखेंगे। तो ट्रसेस भी मैंने आपको जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, डिटरमिनेट ट्रसेस इनडिटरमिनेट ट्रसेस। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि मेरे पास इनडिटरमिनेट ट्रस है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, यदि मैं कहूँ मेरे पास डिटरमिनेट ट्रस है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। तो जैसा कि मेरे पास डिटरमिनेट ट्रसेस है तो बाय द मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड बाय द मेथड ऑफ सेक्शंस हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम एनालिसिस ऑफ रिडंडेंट ट्रसेस देखेंगे, रिडंडेंट ट्रसेस मतलब इनडिटरमिनेट ट्रसेस, ऐसे ट्रसेस जिसमें जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है वो प्रेजेंट है ना, द स्ट्रक्चर इज इनडिटर्मिनेट, इन दैट केस यदि हम उसको एनालाइज करने वाले हैं तो उसको हम कह देते हैं रिडंडेंट ट्रसेस। उसके एनालिसिस कैसे करना है, उसमें हर एक मेंबर के अंदर कैसे फोर्स निकाले जाने वाले हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले रहेंगे। और फिर इसके बाद में हम देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रसेस, है ना, टेम्परेचर वेरी होने पर किस तरीके से क्या क्या स्ट्रेसेस भी डेवलप हो जाते हैं ट्रसेस में, उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बात करने वाला रहूँगा, है ना। फिर ट्रस में कैसे डिफ्लेक्शन होकर होता है, कैसे एस्टिमेट करना होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर बात करने वाला रहूँगा। तो ये आपका रहेगा पूरा ट्रसेस के ऊपर डिस्कशन। ठीक है, हर एक मेथड को देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा रहेगा ये लेक्चर, हर एक नंबर ऑफ ट्रसेस को हर एक मेथड्स के हम सॉल्व करके देखेंगे और अलग अलग तरीके से नंबर ऑफ ट्रसेस को एनालाइज करके देखेंगे किसमें कितना फोर्सेस आता है। आप चाहें तो जिसमें आपको ट्रस यहाँ पर बना के बताऊंगा, एक बड़े बड़े ट्रसेस के एनालिसिस करूंगा, फोर्सेस निकालूंगा। आप क्या चाहें, यदि आप लोग स्टेट प्रो जानते हैं, है ना, ना केवल ट्रस, हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम को यदि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर बीम को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, फॉर द गिवन लोडिंग के लिए एनालाइज कर रहा हूँ, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट प्रो में ड्रॉ करिए, गिवन अप्लाइड लोड्स लगाइए और फिर उसको एनालाइज करिए, यहाँ पर आने वाले फोर्सेस या बेंडिंग मोमेंट्स या रिएक्शंस एग्जैक्टली आपको स्ट्रेट प्रो में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा एक डिस्कशन चैप्टर नंबर 5 का, जो कि एनालिसिस ऑफ ट्रसेस है। यहाँ पे इस चैप्टर को देखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको मैंने पहले रखा है ना। ऐसा हो सकता है शफलिंग हो सकती है चैप्टर्स की, कोई लोग पहले ट्रसेस पढ़ा देते हैं बाद में नंबर ऑफ एनालिसिस मेथड्स पढ़ाते हैं, मैं पहले मेथड्स पढ़ाता हूँ बाद में ट्रसेस पढ़ाता हूँ, मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, जिसका जितना इंपॉर्टेंस उसको मैं पहले पढ़ाता हूँ, बाद में फिर कम इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रसेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो फ्रिक्वेंटली नहीं आते। एक इस साल आ गया तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ना आए, फिर दो एक साल बाद फिर आ गया, फिर एक दो साल बाद आ गया, तो इस तरीके से इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मेंटेन नहीं रहती है, है ना। तो इसलिए मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा सब कुछ इसके अंदर। फिर हम देखते हैं आरसीस एंड केबल्स में से बहुत ही कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना, मतलब मैं कहूँ तो हार्डली अभी तक मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए होंगे पिछले 20-25 सालों में, है ना। तो बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आरसीएस एंड केबल से देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले रहेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से हम 3-hinge आर्च की एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से हम 2-hinge आर्च की एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से हम सेमी सर्कुलर आर्चेस की एनालिसिस करने वाले हैं, किस तरीके से हम सस्पेंशन केबल्स की एनालिसिस करने वाले हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्या क्या हम डिस्कस करने वाले रहेंगे, इनके अंदर भी काफी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हम देखने वाले रहेंगे। प्रॉब्लम से याद आया कि आप लोगों को जो मैं बुकलेट
बुकलेट प्रोवाइड करता हूँ वो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के अंदर भी बुकलेट प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए बुकलेट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने आपको जियोटेक के लिए अंदर बुकलेट दिखाया था, मैंने आरसीसी के अंदर बुकलेट दिखाया था, इन द सेम फैशन ये स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए भी बुकलेट है। हर एक सब्जेक्ट का एक एक्सपर्ट फैकल्टी रहेगा और वो फैकल्टी इस बुकलेट को डिज़ाइन किया है, और जैसे कि सब्जेक्ट के लिए मैंने डिज़ाइन किया है तो मेरे टाइप से मैं इसको पढ़ाने वाला रहूँगा। मैंने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर रखा है और फिर उसके अंदर हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करते चले जाएंगे। तो ये बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चैप्टर का एक बुकलेट आपको प्रोवाइड किया जाने वाला रहेगा, जिसके अंदर मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ तीन टाइप की कैटेगरी हमने हर जगह रखी है, चाहे फिर वो गेट ईएससी के क्वेश्चंस रहे हो या फिर वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहे हो या फिर वो असाइनमेंट क्वेश्चंस रहे हो, हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के एंड थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होंगे। यदि आप हमारे फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन को हम आपके साथ जो डिस्कस करते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आप इजिली उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इन्हीं के साथ में जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर की भी हम लोगों ने क्या दे रखी है, यहां पर दे रखा है आंसर की, ठीक है। तो ये आपका बुकलेट रहेगा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर मैंने 6 चैप्टर्स आप लोगों के साथ यहां पर डिजाइन कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। यही 6 चैप्टर्स मैं आप लोगों को पीडीजीडी कोर्स में पढ़ाने वाला रहूंगा। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने वीडियो फॉर्म किया था। अभी तक हमने नंबर ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियोस देख चुके होंगे आप लोगों ने, जियोटेक का इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखा है आपने, मेरा आरसीसी का देख रखा होगा, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो रिचा मैडम ने लिया था उनका देख रखा होगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो उनके लेक्चर्स आने वाले हैं पीडीजीडी कोर्स के अंदर। प्रतीक सर का आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का देख रखा होगा, जिसमें वो काफ़ी डिटेल में ट्रैफिक इंजीनियरिंग और आपका रेलवे वगैरह जो जो होता है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरा आरसीसी कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का आपने देख रखा होगा, ये स्ट्रक्चर का। तो हर सब्जेक्ट जो है हमारे यहाँ से एक एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाने वाली है, जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो इस सब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम्स ऑलरेडी डील कर चुके हैं, वो लोग आप लोगों के साथ यहाँ पर इस सब्जेक्ट इस पीडीजीडी कोर्स में सब्जेक्ट्स को डील करने वाले रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस पर इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय माई पीडीजीडी कोर्स इफ यू परचेस। चलिए, थैंक यू।